ओके सर, सर देखेंगे लाइक हम लोग जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज करना है हम लोग को, ठीक है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं तो ये हमारा कौन सा स्टेट प्रो V8i सीरीज 6 है सर। तो सीरीज 6 सबसे लेटेस्ट इसमें चल रहा है तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें ख़राब है, हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे उसको क्या चीज़ें अच्छी है क्या चीज़ ख़राब है सर। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी जैसे न्यू प्रोजेक्ट किया, हमने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना चाहिए। जैसे न्यू प्रोजेक्ट क्लिक किया तो यहाँ पे न्यू मॉडल आता है। न्यू मॉडल आने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्पेस, प्लेन, फ्लोर और ट्रस, ये चार चीज़ें आती हैं। इनमें से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि स्पेस क्या होता है। स्पेस तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट 3D में बनता है, लाइक एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस जब यूज़ करेंगे तब हम लोग यहाँ पे स्पेस यूज़ करेंगे। जब हम केवल दो एक्सिस को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इस प्लेन को यूज़ करेंगे, ठीक है सर। अब आफ्टर इट लाइक फ्लोर, जब हम लोग एक्स जेड वाई जेड जैसे फ्लोर हो कोई, उस फ्लोर को जब एनालिसिस करना हो, उसको डिजाइन करना हो, तो उस टाइम पे हम लोग फ्लोर को लेंगे। इसके बाद हमारा ट्रस आता है, ठीक है सर। तो हम लोग ट्रसेस में लाइक अभी जैसे कि हम ट्रस का ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, ट्रसेस से ब्रिज बना रहे हैं, या ट्रस बना रहे हैं टावर के लिए ट्रस बना रहे हैं, या क्या बोलते हैं कोई कैनाल बना रहे हैं उस पर पूरा ट्रस लगा रहे हैं, या वेयर हाउस बना रहे हैं तो वेयर हाउस में भी हम लोग ट्रसेस को यूज़ करेंगे। उस केस में हम लोग ट्रसेस पर क्लिक करें, ठीक सर। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, स्पेस को लिया, क्योंकि स्पेस में क्या होगा कि आप 3D ऑब्जेक्ट ले सकते हो, 3D एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में जा सकते हो। अगर आपको प्लेन पे काम करना है, मतलब दो डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पे प्लेन लीजिए। यहाँ पर अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पर आपको मिलेगा ए स्पेस स्ट्रक्चर विच इज 3D फ्रेम स्ट्रक्चर। तो दैट मीन कि यहाँ पे 3D होगा और दिस वन इज योर प्लेन, प्लेन स्ट्रक्चर बाउंड ग्लोबल एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में सर जाएगा, लाइक दो प्लेन में जाएगा, फिर हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे। फ्लोर, फ्लोर में हम लोग एफएक्स एफजेड एमवाई, लाइक जैसे हमने बोला आपको एक फ्लोर तैयार होगा, थोड़ी हाइट फ्री है, ठीक है, दैट इज योर फ्लोर एंड दैट इज योर ट्रस, यू नो वेल, ठीक है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर, फर्स्ट वन इज योर प्लेन। तो हमने प्लेन पे क्लिक किया सर, और प्लेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे दिया फाइल का नाम कि हमने क्या बनाना है, ठीक है। तो जैसे कि आज हमारी पहली क्लास है, तो हम पहली क्लास में हम सबसे पहले बीम से स्टार्ट करेंगे सर। तो हमने यहाँ पे बीम लिया, ठीक है, और बीम लेने के बाद यहाँ पर आपको फाइल का लोकेशन देना होता है। फाइल का लोकेशन इन द सेंस कि स्टेट की जो फाइलें हैं वो कहाँ पर सेव होंगी, क्योंकि सर जब हम किसी भी बीम की एनालिसिस करते हैं तो उसमें कई चीज़ आती हैं, मतलब डिफ्लेक्शन आता है उसका, उसका मोमेंट आता है, उसका शियर फोर्स आता है, एवरीथिंग। तो क्या होगा सर, सबकी एक अलग अलग वो फाइल बनाता है। अगर हमने कोई एक फोल्डर, पर्टिकुलर फोल्डर नहीं बना रखा, तो वो सी में जाके उसको भरने लगेगा, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप सबसे पहले इसके लोकेशन पे जाके इसको एक प्रॉपर एक लोकेशन दे दो। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे एक लोकेशन बना रखा है स्टेट फाइल नाम से, और उसी लोकेशन पे जाके मेरी सारी फाइलें सेव होंगी, ठीक है। कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना तो उस प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर बना दीजिए, सारी फाइल जाके उसके अंदर गिरेंगी, ओके। एंड आफ्टर इट सर, लेंथ यूनिट एंड फोर्स यूनिट, यहाँ पर हम लोग MKS में काम करते हैं सर, मीटर एंड किलो न्यूटन पे, ठीक। तो यहाँ पर मीटर लिया और यहाँ पे हमने ले लिया किलो न्यूटन, इस पर हम लोग उनको मैक्सिमम काम हमारा इसी पर होगा। तो हमने मीटर एंड किलो न्यूटन लेने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट किया, और जैसे नेक्स्ट किया तो यहाँ पर दिखा रहा है कि इस नाम से फाइल पहले सेव है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नाम इसका बीम वन दे दिया, और इसके बाद जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये आ गया। अब यहाँ भी हमें समझना चाहिए कि क्या है ये, तो ये हमारा एड बीम है। जब सर हम बीम को जोड़ जोड़ के काम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ऐड बीम को यूज़ करते हैं, ओके। एंड आफ्टर बीम लाइक यहाँ पे ऐड प्लेट, जब हम कोई एक प्लेट लेते हैं, जैसे एक स्लैब हमारा एक प्लेट है, ठीक है, स्टेयर्स का जो स्टेयर्स बना रहे हैं, स्टेयर्स हमारी एक प्लेट पड़ती है, ठीक है, वो प्लेट हमारा है, ठीक है। ब्रिज बना रहे थे, ब्रिज के बीच में एक प्लेट पड़ेगा। इन सब चीज़ों के एनालिसिस के लिए आपको ऐड प्लेट यूज़ करना चाहिए। आफ्टर इट योर ऐड सॉलिड, ऐड सॉलिड क्या होता है, जब हमारे पास कोई एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कोई भी सॉलिड लाइक आयरन का है या स्टील है, कुछ भी है, ठीक है, जो भी सॉलिड होगा उसकी एनालिसिस करनी होगी तो हम लोग ऐड सॉलिड पे क्लिक करेंगे। ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड जो होता है, ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड के अंदर एक बने हुए पर्टिकुलर फंक्शंस रखे होते हैं, ठीक है। जैसे आप रैबिट आर्किटेक्चर देखते हो तो रैबिट आर्किटेक्चर में कुछ मटेरियल्स आपके बने हुए रखे हैं उसमें, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी कुछ घरों के स्ट्रक्चर, कुछ सर्कुलर स्टेयर्स एंड ऑल लाइक इन सब के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो वो ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड में बने हुए हैं, ठीक। तो आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट उस पर काम कर सकते हैं, बट वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस कर पाएंगे। एंड ओपन स्टेट एडिटर, एडिटर क्या होता है, जैसे कि हमने कोई काम किया, कोई लोड लगाया, ठीक है, वो लोड हमारा गलत हो गया या चेंज करना है, तो उसको एडिट करने के लिए हम लोग ओपन स्टेट एडिटर को ओपन करते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट वन योर एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन, जब हम लोग का फाइनल वर्क हो जाता है तो हमें किसी को सबमिट करना है कि कितनी बीम्स थे, कितने कॉलम्स थे, तो उसके लिए हम लोग को जॉब की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, काम की इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग यहाँ पर देते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एड बीम क्लिक किया और बीम करने के बाद यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर दिया सर। एंड
जैसे हमने स्टैट को ओपन किया तो आप देखोगे तो स्टैट में आपको इस तरह से ग्रिड मिल जाएगी, ठीक है। ये जो हमारी ग्रिड है, इन ग्रिड के बीच की स्पेसिंग जो है वो स्पेसिंग है एक एक मीटर, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, टोटल ये कितने 10 मीटर्स की है सर। एंड दिस वन इज ऑल्सो योर 10 मीटर्स, बट सपोज योर बीम साइज इज 15 और 20 मीटर्स, तो उस केस में आपको इसको एडिट करना पड़ेगा। अभी हमारी ग्रिड जो है वो इस तरह से है, एक्स और वाई में है, ठीक है। समटाइम्स जब हम स्लैब की एनालिसिस करेंगे तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, दैट मीन कि एक्स एंड जेड डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो उसको कैसे एडिट करेंगे अपने ग्रिड को, ग्रिड एक तरीके का जाल है सर। जाल को यूज करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको सहारा मिल जाएगा करना कैसे, ओके। तो यहाँ पे ये ग्रिड है, इस ग्रिड को एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर जस्ट एडिट पे क्लिक करना होता है। एडिट पे क्लिक करके जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे एडिट के लिए ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ 10, ये 10 ये है जो हम ये 10 देख रहे हैं, और ये जो 10 देख रहे हैं ये हमारे 10 और 10 है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन हमारा ये है और वाई डायरेक्शन हमारा ये है, ठीक। तो हम यहाँ पर अगर यहाँ पर एक्स में हमने 15 डाल दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स में 15 हो गया, यहाँ पर हमको 15 डाला तो यहाँ पर भी 15 हो गया। और अगर आपको इनके बीच की स्पेसिंग देखना है, इनके बीच में स्पेसिंग कितना है, तो आप देखिए आप 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है, ठीक है 1 मीटर। समटाइम्स होता क्या है कि जैसे हमारी बीम 4.5 मीटर की है, 4.5 मीटर की है, ठीक है। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं बताता सर, जैसे ऑटोकैड बता देता है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ हाफ मीटर की ग्रिड बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाफ हाफ मीटर ग्रिड बनाओ या कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा कि इस नोड को यहाँ से यहाँ पे कर दिया, ठीक। तो अगर हाफ हाफ मीटर की सपोज हमें बनाना ही है, अभी हमने फिर से इसको 10 कर दिया और इसको 10 कर दिया, तो हाफ हाफ मीटर की बनाना ही है तो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाके हम डाल देंगे 0.5, ठीक है। और जैसे डालेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आधा मीटर आधा मीटर आधा मीटर पे आ गया ना, तो अभी ईजी होगा हमें काम करने में, और इसको मैंने 1 कर दिया। बट अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको 1 कर सकते हो, ठीक। अभी जो हमारा प्लेन है वो प्लेन हमारा यहाँ पर एंगल ऑफ प्लेन जो है वो एक्स वाई है, लाइक एक्स वाई। बट जैसे आप यहाँ पे एक्सजेड करोगे तो यहाँ पे इस तरह से ये एक्सजेड में आ जाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज योर वाईजेड। वाईजेड क्या होता है, एकदम पलट जाएगा, लाइक ये हमारा वाई हो जाएगा और ये हमारा जेड हो जाएगा, ठीक। मैक्सिमम जो हम लोग बीम वगैरह का करते हैं वो एक्स और वाई प्लेन में ही करते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज योर सर, यहाँ पे देखो ग्रिड ओरिजिन है, जैसे हम लोग वहाँ पे ऑटोकैड में सेट करते थे 0.0.0, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर होती है 0.0.0, दिस वन इज योर देश। तो यहाँ पर आपका हर एक एनालिसिस जो होती है वो 0.0 से स्टार्ट होती है। अगर आप चाहते हो कि आपका ग्रिड जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो, जो जीरो से न होकर यहाँ पर ग्रिड स्टार्ट हो, तो उसके लिए क्या करो, यहाँ पे स्पेसिंग दे दो, यहाँ पे डाल दो लाइक वाई डायरेक्शन में, आप यहाँ पे 5 डाल दो, तो क्या करेगा वो यहाँ से स्टार्ट होना हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर लिखा हुआ एंगल ऑफ प्लेन, समटाइम्स क्या होता है हमें थोड़ा सा रोटेट करना, जैसे हम वाटर टैंक की डिज़ाइन करते हैं, ब्रिज की डिज़ाइन करते हैं, तो बार बार हमें ग्रिड को इधर उधर करके एडिट करना पड़ता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड का एंगल थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। जब चेंज कर देंगे तो ईजिली हम उस पर काम कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हम लोग को समझ में आ गया होगा कि ग्रिड की हम लोग सेटिंग कैसे करते हैं। आफ्टर ग्रिड सेटिंग इसको ओके करेंगे, और अब जैसे कि हमने एक एग्जांपल के लिए हमने एक बीम ले लिया, सबसे पहला काम एक बीम से स्टार्ट करेंगे। बीम जो होता है हमारा ये, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बीम है, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हमारा कॉलम होगा, ठीक है। और इस लाइक स्टैट के लैंग्वेज में हम हर जगह पे बीम ही बोलेंगे, क्योंकि इधर भी जाएंगे तो ऐड बीम, इधर भी जाएंगे तो ऐड बीम, इधर भी जाएंगे तो ऐड बीम, तो ऐड बीम ही बोलना है हमें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अभी एक स्ट्रक्चर लिया यहाँ से और यहाँ तक, हमने 4 मीटर का एक बीम ले लिया, और 4 मीटर की बीम लेने के बाद अभी इसको क्लोज करना है। इस कमांड को क्लोज करने के लिए हम लोग को यहाँ पर क्लिक करना चाहिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, एक 4 मीटर की बीम मिल गई। अब मैं सच बोल रहा हूँ ये 4 मीटर की है कि नहीं, तो आपको इसको चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पर होता है सर नोड कर्सर, हर एक बीम में 2 नोड होते हैं, एक कॉर्नर पर और एक यहाँ पर। जैसे कि लास्ट सेक्शन में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि यहाँ पर कलर दिखाता है आपको, एक कलर बताता है, यहाँ पे जो ब्लू कलर है ये आपको बता रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है बीम, रेड कलर बताता है कि ये बीच का पॉइंट है, और येलो कलर बताता है कि ये एंड पॉइंट है, ओके। तो अभी हमको पता है कि यहाँ पे 2 नोड होते हैं, हर एक बीम में 2 नोड होते हैं, और बीच का जो पोर्शन होता है उसे बीम कर्सर बोलते हैं, ठीक। तो अगर हमें नोड सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर हमें नोड कर्सर लेना पड़ेगा, अगर हमें बीम सेलेक्ट करना तो बीम कर्सर लेना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर नोड लिया तो आप देखेंगे तो केवल और केवल नोड सेलेक्ट होंगे आपके, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे बीम कर्सर लोगे तो आपको केवल बीम सेलेक्ट होंगे, यहाँ पे नोड नहीं सेलेक्ट है आपका, ओके। तो इस तरह से आपको नोड और बीम में क्लियर होना चाहिए। आफ्टर इट्स यहाँ पे अब इसको मटेरियल देना है, इसको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए हम लोग को यहाँ पे जर्नल पे आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्क है हमारा कि जर्नल पे हमें आना चाहिए। जर्नल पे आने के बाद अभी ये केवल एक रस्सी की तरह है, इसमें कुछ भी नहीं लगा। आप इसका अगर 3D व्यू यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, केवल एक रोप दिखेगा जिसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले इस पर हम लोग को मटेरियल असाइन करना पड़ेगा। बार बार बीच में सर फाइल सेव करने के लिए आएगा, फाइल सेव करने के लिए इसलिए आता है कि अगर किसी ने आपसे पूछा तो आप बताइए उनको कि
वो जैसे किसी चीज़ को रीड किया तो उसको होता है कि हम सेव कर लें क्या, तो उस केस में हम लोग को यस कर देना चाहिए, तो वो क्या करेगा उसको ऑटोमेटिक वो सेव कर लेगा। और हमने इस तरीके से उसको क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हमने डिफाइन पे स्टार्ट किया, ठीक है, डिफाइन करना स्टार्ट किया आपको इसको, तो डिफाइन करने के लिए यहाँ पे डिफाइन पे गए, और डिफाइन पे जाने के बाद यहाँ से इसको साइज़ देना स्टार्ट किया। अब जो हमारा बीम होता है, जो हमारा कॉलम होता है, सबका एक स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है, तो ये जो हमारा ये बीम है इसको हमने साइज़ दिया 0.45 का, हमने कहा 450 mm हमारा इसका ये है, और इसके बाद ये दे दिया हमने 0.30, ठीक है, तो ये हमने इसको साइज़ दिया, और साइज़ देने के बाद मैंने इसको ऐड किया और ऐड करके क्लोज कर दिया। अब इसको इस पे लगाना पड़ेगा, तो लगाने के लिए इसको लिया, और इसको लेने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा, और सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर असाइन पे जैसे क्लिक करके यस करेंगे तुरंत ये क्या होगा असाइन हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा ये बीम बन चुका है, हम इसको देख सकते हैं कहाँ से, यहाँ से 3D रेंडर व्यू से देख सकते हैं कि हमारा एक बीम तैयार हो गया है। ओके, तो अभी मैंने इसको क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद यहाँ पर सपोर्ट पे क्लिक किया, जस्ट क्लिक ऑन सपोर्ट एंड सी लाइक फर्स्ट वन मैंने बोला कि यहाँ पे सर सपोर्ट जो होते हैं सपोर्ट के टाइप्स होते हैं लाइक फिक्स सपोर्ट, पिन सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट्स है, ठीक है, मैं आपको एक PPT दूंगा, उस PPT पे आप जाके देख सकते हो कि सपोर्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस हुआ है, तो लाइक मैं आपको PPT शेयर करूँगा, मेरे साइट पे है, मैं आपको दे दूँगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोर्ट क्या होते हैं, मैं एक मिनट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी थोड़ा नेट स्लो है इसलिए मैं अभी बाद में आपको दे दूंगा PPT, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक अलग सपोर्ट तैयार किया, और यहाँ पर हमने एक अलग सपोर्ट लगाया, ठीक है, तो सबसे पहला सपोर्ट हमने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया, और यहाँ पे फिक्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हम फिक्स सपोर्ट लगाएंगे। फिक्स सपोर्ट क्या होता है, जैसे कि घर देखा ना, घर में जो बीम हो जाती है, बीम यहाँ पे जब जाती है तो वहाँ जब कॉर्नर पे जाती है तो वहाँ पे जाम कर दिया जाता है, उसको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, दैट इज योर फिक्स सपोर्ट, ठीक है। लेकिन जो आपका जैसे कि फिक्स बट है, जैसे आप कभी ब्रिज पे जाइए तो ब्रिज का जो कॉर्नर होगा वहाँ पे रोलर सपोर्ट लगता है। रोलर इसलिए लगता है कि मान लीजिए कभी मूविंग का कुछ नीड पड़ा, ठीक है, तो उसको बीम अपने हिसाब से, ब्रिज अपने हिसाब से स्ट्रक्चर को मूव करके एडजस्ट कर सके, अदरवाइज वहाँ पे शियर फेल्योर आ जाएगा, ठीक है। तो फेल्योर ना आए उसके लिए वहाँ पे रोलर लगाते हैं, दोनों तरफ फिक्स नहीं लगाते, किसी भी चीज़ को दोनों तरफ से अगर बांध देंगे तो क्या होगा, जल्दी उसके फेल्योर आने का ज़्यादा चांस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने फिक्स सपोर्ट लिया और इसको ऐड किया, और यहाँ से हमने फिक्स सपोर्ट लेके सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके असाइन और यस कर दिया। ओके, एंड इसके बाद हमने इस तरफ जो लिया दूसरा सपोर्ट लिया, इसके लिए क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ पर हमने पिन सपोर्ट लिया, और पिन सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर ऐड किया, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि पिन सपोर्ट क्या होता है, वो सपोर्ट क्या होता है, यहाँ पर सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मैंने असाइन करके इसको भी यस कर दिया। तो एक तरफ पिन सपोर्ट लगा दिया, एक तरफ हमने फिक्स सपोर्ट लगा दिया, ठीक। चलिए अब इसके बाद चलते हैं इस पर लोड लगाने, ठीक है, इस पर हमने लोड लगाने चलते हैं। तो लोड लगाने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर लोड एंड डिफिनीशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद लोड के इस डिटेल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करके जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के लोड मिल जाएंगे, जैसे डेड लोड, लाइव लोड, रूफ लोड, विंड लोड, सेस्मिक लोड, ये सभी आपने सुने होंगे कि सेस्मिक का इफेक्ट आ रहा है, विंड का इफेक्ट आ रहा है। तो जो सबसे दो इंपॉर्टेंट लोड है वो हमारे डेड और लाइव लोड हैं। डेड लोड क्या होता है सर, जो बिल्डिंग के अंदर नॉन मूवेबल लोड होता है वो सारे लोड हमारे डेड लोड होते हैं, लाइक हमारा जो बीम है, कॉलम है, स्लैब है, एवरीथिंग क्या है, ये सब मूव नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा डेड लोड होगा। तो यहाँ पे हमने डेड लोड लिया और डेड लोड लेके मैंने कर दिया, ठीक है। और जो हमारा लाइव लोड है मूवेबल लोड, जैसे कि हम लोग इस बिल्डिंग पे एक लाइव लोड है, ठीक है, तो अभी हम लोग चले जाएंगे तो ये लाइव लोड खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने डेड लोड लिया, और डेड लोड लेने के बाद अभी हम ज़्यादा डाटा नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका सेल्फ वेट मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी केवल डाल के इसको एनालाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने डाला यहाँ पे -1.5, और -1.5 डालने के बाद यहाँ पे ऐड किया और ऐड करके क्लोज कर दिया, और इसको सेल्फ वेट को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे असाइन टू व्यू करेंगे, और असाइन करेंगे तो ये असाइन हो जाएगा, ठीक। अब आपको यहाँ पे जैसे ये सिंबल ग्रीन कलर का दिखे दैट मीन ये असाइन हो चुका है, इसका एक सिग्नल दे दिया इसने। ओके, और इसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इसको एनालाइज करना चाहिए, ठीक। एनालाइज करने के लिए हम लोग को एनालिसिस एंड प्रिंट पे जाना है, हर एक चीज़ हमको डाटा भी, स्टैटिक डाटा भी, मोड सेफ्स, डिफरेंट डिफरेंट मोड सेफ्स, सब कुछ हमें एनालाइज करना है। फिर हमने ऐड किया और क्लोज कर दिया। अब यहाँ से एनालिसिस करने के बाद अब सॉफ्टवेयर को बोलेंगे कि आप रन एनालिसिस करके, एनालाइज करके हमें रिजल्ट दो, ठीक है, किसका वेट क्या आएगा, इस स्ट्रक्चर का वेट क्या आएगा, क्या रिजल्ट्स होंगे इसके। तो हमने इसको जैसे परमिशन दिया एनालाइज करने के लिए, तो यहाँ पे 0 एरर दे दिया, दैट मीन कि स्ट्रक्चर आपका फुल ऑफ फुल सही है। ओके, एंड 0 एरर दिया, 0 वार्निंग भी दिया कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा इसने इंडिकेट किया, और 0 नोट दिया कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, एक्यूरेट है आपका 100%।
इसके बाद व्यू आउटपुट फाइल किया और करके हमने यहाँ पर डन किया, और डन करके हम देखेंगे तो हमें पूरा का पूरा रिजल्ट पता चल जाएगा, एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर क्या, इस बीम का क्या वेट आएगा वो भी हमें यहाँ पे ये निकाल के देगा। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने अभी काम किया इनपुट फाइल यूजर आकाश पांडे, जैसे कि मेरे लैपटॉप है तो उसमें इसी तरीके से बीम की फाइल बन गई है। ठीक है सर, तो यहाँ पे इसने सारा इन्फॉर्मेशन दिया, किस डेट को किया हमने, इस डेट को किया ये दिया। ठीक है, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ जैसे डेंसिटी क्या होता है, उसने डेंसिटी को बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर ने अपलोड करके रखा, क्योंकि हम इसे कोड बता देते हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल्स जो हमारी वो करेंगे। अब यहाँ पे हमने फिक्स सपोर्ट लिया, तो इसने फिक्स सपोर्ट भी हमको दिखाया कि सपोर्ट आपने क्या लिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आओगे तो आपको मिलेगा कि नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने थे, दो जॉइंट्स थे सर, लेकिन एक कॉर्नर पर एक दूसरे कॉर्नर पर ज्वाइन था, एक नंबर ऑफ मेंबर्स, एक नंबर था, एक मेंबर था उसमें, लाइक बीम था ना, एक बीम इज अ मेंबर हियर। ठीक है, सपोर्ट्स हमारे दो थे, एक उस कॉर्नर पे एक इस कॉर्नर पे सपोर्ट्स हमारे थे। और इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, एक्चुअल वेट ऑफ स्ट्रक्चर कितना है इसका, 12.72। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एक बीम का एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर कितना होगा। ठीक, अब इसके बाद हमें इसका देखना पड़ता है कि अभी जैसे रिजल्ट इसके देखने हमें, तो रिजल्ट देखने के लिए हम लोग को यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करना पड़ता है, और पोस्ट प्रोसेसिंग पे जैसे क्लिक करके यहाँ पे ओके करेंगे आप, तो यहाँ पे अलग अलग आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। अब देखिए रिजल्ट कैसे देखेंगे, जैसे कि मुझे इस बीम का रिजल्ट देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल दाब के, यहाँ पे जैसे आप कंट्रोल क्लिक किया है और मैंने माउस को प्रेस किया यहाँ पे ले जाके। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर हमें डिफ्लेक्शन दिखाने लगा, यहाँ पे देखिए ऑन है यहाँ पे डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसका डिफ्लेक्शन हमें दिखाने लगा। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा और कितना आएगा वो हम लोग को देखना होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमेशा बीच में आता है, बीच में हमारा सपोर्ट कम हो जाता है। ठीक है, तो देखने का कि वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू वैल्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू वैल्यू पे क्लिक करके जैसे आप बीम रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, मैक्सिमम रिजल्टेंट पे क्लिक करके एनोटेट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड होगा, 0.13 mm। ठीक है, 0.13 mm इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, 0.5 के अगर अंडर है दैट मीन बहुत ही ज़्यादा सेफ है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये बीम हमारी सेफ है कि नहीं, इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि किस तरह से हम लोग अपने बीम को लाइक एनालाइज वगैरह करेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेशन ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है,